क्या कर पे उन्हें पता चल जाए। चिंता मत कर, तुम्हारे भैया घोड़े बेचकर सो रहे। पर नहीं, मीना उठो, सुबह हो गई है, फिर से ऑफिस के लिए लेट नहीं होना है आज। मीना उठो ना। उदय, उदय आज थोड़ा लेट चले जाओ ना। मैं रोज ऑफिस के लिए लेट हो रहा है यार, प्लीज उठ जाओ। प्लीज उदय आओ ना। मीना तुम्हारे दिमाग में हमेशा एक ही चीज सोचते रहती क्या? मीना प्लीज यार। बल्कि तुम्हें तो खुश होना चाहिए, क्योंकि सारे मर्दों की यही शिकायत होती कि उनकी पत्नियां उन्हें हाथ नहीं लगाने देती, और एक मैं हूं। यार हर चीज की एक हद होती है, दिन रात एक ही चीज चलती रहती है तुम्हारे दिमाग में। यार ये भूखी शेरनी बिना शिकार किए नहीं माने। अरे मीना जल्दी करो यार, 5 मिनट में निकलना मुझे। आज मत जाओ ना, मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है। अरे तुम्हें तो 24 घंटे मेरी जरूरत रहती है, तो क्या घर पे बैठ जाओ तुम्हारे साथ? हाँ तो क्या हुआ, पति हो तुम हमारे, और मेरा तुम पर पूरा हक है। फालतू बातें मत किया करो। बोल रहा हूँ लेट हो रहा हूँ। अच्छा नाश्ता कर लिया? और टिफिन ले लिया मैंने। नंदिनी के खून के जुर्म में नेहा और श्रीधर को जेल हो गई। ना तो डॉक्टर श्रीधर अपने दोस्त से किया हुआ वादा पूरा कर पाए, और ना ही नेहा को। Thank you.
नमस्ते भाभी जी। नमस्ते। कैसे आप? मैं ठीक हूँ। क्या चाहिए आपको? जी? भाई कहने का मतलब कि थोड़ी चीनी चाहिए थी। भाई साहब, आपको चीनी की नहीं, कुछ मसाले की जरूरत है। कीजिए, जाइए, पहले सोच लीजिए क्या चाहिए, चीनी या मसाला। ये राजू तो पीछे ही पड़ गया, आज इसके अफल ठिकाने लगाती है। हमने कहा ना चीनी। क्या हुआ भाभी? तुम किसे अड़का रही? अरे कुछ नहीं, वो हमारा एक पड़ोसी है, कुछ ना कुछ मांगने जरूर आ जाता है। तुम ये सब छोड़ो, अंदर आओ। वैसे कैसे आना हुआ? वो मेरे एक आईटी सॉफ्टवेयर कंपनी में एक इंटरव्यू है, उसके लिए आया मैं। अच्छा, किस चीज का? मैंने आईटी की पढ़ाई की है ना। ओह, अरे वाह, तुम तो बड़े काबिल हो गए। काबिलियत से आजकल कहाँ काम मिलता। अच्छा, वैसे तुम कुछ बता रहे थे ना। हाँ, मैं ये कह रहा था कि मैं कुछ दिनों पहले आ गया हूँ, सोचा यहाँ रहकर तैयारी कर लूँ, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो। कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुम्हें यहाँ देखकर मैं कितनी खुश हूँ। थैंक यू भाभी, थैंक यू सो मच। अब ये थैंक्स वैंक्स बोलकर शर्मिंदा मत कर। अच्छा तू ये सब छोड़ो, जाओ फटाफट नहा लो। हाँ, मैं तुम्हारे लिए कड़क मसालेदार चाय बनाती हूँ। गुड आइडिया। अरे रहने दो ना, वैसे भी इतनी अच्छी बॉडी तुमने शर्ट में छुपाने के लिए थोड़ी ना बनाई। थैंक यू। और बताओ कैसा चल रहा है सब कुछ? सब बढ़िया। तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है क्या? हैंडसम लड़के की गर्लफ्रेंड नहीं है? जी नहीं। अच्छा, पक्का होगी, पुरानी कभी होगी है ना, पर ब्रेकअप हो गया? नहीं, ऐसा ऐसे थी नहीं कभी। कोई बात नहीं, आज से मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। मेरा मतलब ये था कि देखो, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, हो ना, और मैं एक लड़की, तो हो गई ना तुम्हारी गर्लफ्रेंड। अभी आप भी ना। अच्छा एक बात बताओ, क्या तुमने कभी किसी औरत को टच किया? तुम एकदम। अरे हम मजाक कर रहे थे तुमसे, तुम्हें क्या लगा? नहीं, कुछ नहीं लगा। पागल। अरे मैं अभी भी कह रहा हूँ, थोड़ी और मेहनत कर लो, बिजली विभाग में जॉब लग जाएगी तुम्हारी। सरकारी नौकरी में ऐश करोगे? मुझे सरकारी नौकरी वाली बोरिंग लाइफ नहीं चाहिए। मैं किसी
इंटरनेशनल कंपनी में लगना चाहता हूँ। ये सब कुछ दिन के शौक होते हैं, बता रहा हूँ। अरे आप तो बिल्कुल ही बोरिंग है, और ऊपर से आप चाहते हैं कि सब आपके जैसे बन जाए। अरे जरूरी नहीं कि हर बात मेरी काटना जरूरी है तुम्हें। जरूरी ये भी नहीं कि तुम देवा जी का उत्साह ही खत्म कर दो। तुमसे तो बहस करना ही बेकार है। यहाँ खड़ी क्या हो, रोटी ले आओ ना। रोटी खत्म हो गई। वैसे कितने दिन रुकने वाले हो? 15 दिन बाद इंटरव्यू है मेरा दरअसल, और एक मेरा कंपनी का दोस्त रहता है यहाँ पे, तो सोचा उसके साथ मिलके तैयारी वारी कर लूंगा। इतनी अच्छी सेहत है तुम्हारी, इतनी अच्छी बॉडी बनाई, एक रोटी तो खानी ही पड़ेगी। अरे ये क्या, तुम्हारी तो दाल खत्म हो गई। मैं लेकर आती हूँ। वैसे ये तुम्हारी कंपनी किधर है? शांति चौक। अरे ये तो यहाँ से बहुत दूर है ना। हाँ। तो एक काम करो, वहाँ आसपास कोई हॉस्टल देख लो, वहीं रहो। अभी तुम्हारा ये टाइम भी बचे और पैसा भी, समझ रहे हो? ठीक है भैया। कैसी बातें कर रहे हैं आप? बड़े भाई के होते हुए छोटा भाई हॉस्टल में रहेगा, और तुम्हारे घर वाले क्या कहेंगे? वो तो यही कहेंगे ना कि मेरे कहने पर तुमने सुमित को घर से निकाल दिया। और सुमित, तुम इनकी बातों में बिल्कुल नहीं आओगे, तुम्हें आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, हम तुम्हारा पास बनवा देंगे। ठीक है भाभी। क्यों, अब तो ठीक है ना? ठीक है, थैंक यू भाभी। बस खाया करो, तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा है। अरे मीना जल्दी करो यार, टिफिन ले आओ। हाँ हाँ आ रही हूँ। तुमको तो हर काम जल्दी जल्दी में ही करना होता है ना। लो यार, तुम हर बात वहीं क्यों लेके जाती हो? मैं लेकर जाती हूँ या फिर तुम कुछ कर नहीं पाते हो? तुमसे तो बहस करना ही बेकार, हमेशा वही रट लगा के रखती हो। लो भाभी आप? हाँ वो मैं तुम्हें नाश्ते के लिए पूछने आई थी। भाभी मुझे 15 मिनट और लगेंगे। क्या हुआ भाभी? ओ, सुमित तुम ये जो कसरत कर रहे हो मुझे भी सिखा दो ना। देखो हम कितने मोटे हो गए हैं। हाँ हाँ क्यों नहीं, आपको फिट रहने के लिए ना स्क्वाट्स करने पड़ेंगे, साड़ी में नहीं होगा। अरे तुम चिंता मत करो, देखो साड़ी में सब हो जाएगा, तुम बस हमें ये क्वाट, हाँ, ये सिखा दो बस। ठीक है। हाँ। आप हाथ सामने रखो, एकदम स्ट्रेट। हाँ। और ऐसे नीचे बेंड होते जाओ, स्लोली स्लोली। और फिर धीरे से वापस। ठीक। अच्छा। अब आप कीजिए। कैसे? हाथ सीधे।
आदित्य जी ने। धीरे से बैठो। धीरे बैठ। ऐसे थोड़ा। क्या कर रही है भाभी आप? वही जो मैं करना चाहती थी। ये गलत है। मुझे पता था तुम जरूर आओगे। मुझे पता मैं गलत कर रहा हूं, लेकिन तुम्हें कुछ तो बात है। ये गुनाह भी शबाब लगता है। अरे वाह भाभी, क्या नाश्ता बनाया आपने? मुझे पता है तुम्हें इडली बहुत पसंद है, इसलिए खास तुम्हारे लिए बनाई। अरे भैया आप भी खाओ ना इडली, और टेस्टी बनाई भाभी। नहीं, तुम्हारे बड़े भैया ने खाई, तुम खाओ ना। अरे अभी इडली खिलाते रहोगी या मेरा लंच बॉक्स भी रेडी करोगी? ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूं। हाँ बना रही हूँ, नाराज क्यों होते हो? लेकर आ रही हूँ, नाश्ता खत्म करो। अरे तुम बोल रहे थे ना तुम्हें अपने कलीग से मिलने जाना है आज। कौन कलीग? अरे वही कलीग जिससे तुम्हें इंटरव्यू की टिप्स देनी थी। बता रहे थे ना तुम। हाँ हाँ अभी जाता हूँ। हाँ तो साथ में चलो ना, ड्रॉप कर देता हूँ। मुझे लंच के बाद मिलने वाला है वो। तुम्हें लेट नहीं हो रहा है, तुम्हारी टिफिन रेडी है, अभी तो बहुत जल्दी जल्दी कर रहे थे, चलो। हाँ हाँ निकल लो। बाय भैया। बाय। क्यों अब क्या हुआ? तुम तो अपने दोस्त के पास जा रहे थे ना, मुझे सारा दिन अकेला छोड़कर। कौन कम वक्त उस दोस्त के पास जाएगा जब इतनी खूबसूरत दोस्त अपनी बाहों में हो। बज रही है। तो बजने दो ना। अरे देखो देखो जैक फोन आया। आने दो ना। भैया के आने का टाइम हो गया है। वो मैं कमरा बंद करके सो गई थी तो घंटी की आवाज सुनाई नहीं दी।
अरे भैया आ गए आप, कैसा रहा आपका दिन? अरे पूछो मत यार, बहुत भूख लगी है। मीना खाने में क्या बनाया? कुछ नहीं। कुछ नहीं मतलब? वो दरअसल मेरे सर में आज बहुत दोपहर से बहुत दर्द हो रहा है, मैं सो गई थी। एक काम करो ना, होटल से मंगा लो। हेलो, मैं ना बैंक में काम करता हूँ, इसी कंपनी का सीईओ नहीं हूँ मैं? जाके खाना बनाओ चुपचाप। बाहर से मंगा लो। सोने दो ना प्लीज। क्या सारी रात सब गुड्ढों की तरह सोते रहते हो? काम करके थक जाता हूँ मैं। तुम्हें पता है रात को सिर्फ सोया नहीं करते, और सुबह काम पे जाना होता है मीना। ठीक है, सो तुम, चैन की नहीं सो। हाँ हसीन गलती जो हम बार बार करते हैं। क्या कर पे? उन्हें पता चल जाए। चिंता मत कर, तुम्हारे भैया घोड़े बेचकर सो रहे। पर नहीं, जग में पानी नहीं रखा क्या? मीना, मीना कहाँ चली गई? मीना, मीना,
अरे भैया आप अभी तक सोए नहीं? अरे वो मीना कहीं दिखाई नहीं दे रही, तुमने देखा क्या? नहीं तो पता नहीं कहाँ चलेगी। अरे भैया यही कहीं होंगी, कहाँ जाएंगी, चलिए ढूंढते। पूरा घर ढूंढ लिया, पता नहीं कहाँ चलेगी। ये आपने ऊपर देखा क्या? नहीं ऊपर नहीं देखा मैंने, मैं ऊपर देख कर आता हूँ। हाँ देखा। ये मीना भाभी इतनी रात को अपने घर में छुप छुप के क्यों जा रहे हैं? क्या मीना कहाँ चली गई थी तुम? पूरा घर ढूंढ रहा हूँ मैं। हाँ वो मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैं थोड़ा बाहर टहलने चली। ये कुछ समय है बाहर टहलने का? हाँ तो वैसे भी तुम सो ही रहे थे ना घोड़े बेचकर। घोड़े बेच के सो रहा था मतलब क्या हुआ? तुम बाहर टहलोगी? तुमसे कुछ होता तो है नहीं, क्यों घर को सर पर उठा रखा है? क्या हमेशा एक ही रेट लगाए रखते हो तुम? हाँ चलो अभी लेट हो गया, सोने चलते हैं। सुमित तुम भी जाके सो जाओ। Good night, बाबू। Good night. मीना जल्दी करो, ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ मैं। अरे हाँ बाबा ये लो। हाँ बस 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 हो गया, चलो दरवाजा बंद कर लो। हाँ कर रहे हो? उधर जस्ट अभी गए। हाँ तो तुम्हें अच्छा लगता है ना? तुम्हें तो कहा था जब मौका मिले तभी। अरे उदय भाई क्या बात है, जल्दी जल्दी में है? यार तुम लोग आजकल रात को इतना एक्टिव कैसे रहते हो यार? क्यों क्या हो गया? कल रात को मैंने क्या देखा, भाभी सुमित भाई की कमरे से निकली और दरवाजे से अंदर। मुझे लगा तुम लोग कोई लुक्का छुपी गेम खेल रहे हो। आप मुझे भी बुला लिया करो यार। निकला तो मैं ऑफिस के लिए था, लेकिन बाहर मुझे राजू मिल गया। शक तो मुझे उसी वक्त हो गया था जिस दिन सुमित मेरे रूम से बाहर निकल रहा था, लेकिन आज पता चला कि तुम दोनों कल रात मेरी आंखों में धूल झोंक रहे थे। इसलिए मैं अपने रूम की खिड़की से अंदर आया ताकि तुम दोनों को रंगे हाथ पकड़ सकूं। सुमित शर्म नहीं आई ना तुझे अपने भाई की पीठ पे छुरा खोलते हुए? और तुम जैसी घटी औरत तो मैंने आज तक नहीं देखी।
जिसके लिए रिश्ते और मर्यादा शब्द के कोई मायने नहीं है। अरे तुम दोनों को तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। बस उदय, एक और लफ्ज मत बोल। बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हो ना तुम, लेकिन कर कुछ नहीं सकते। अरे अपने आप को मर्द समझते हो तुम, लेकिन अपनी पत्नी की जरूरतों को पूरा नहीं कर पाते। अपनी जुबान को लगाम दो मीना। क्यों, बात मर्दान की पे आई तो मिर्ची लगी ना तुम। जे मारना है तो ठीक है, मेरी मीना पे हाथ मत उठाना, वरना। वरना क्या? तुम दोनों से इससे ज्यादा उम्मीद भी नहीं कर सकता था मैं। तुम दोनों के लिए रिश्ते कोई मायने नहीं रखते ना। मेरे घर से बाहर निकलो, मेरे बाद अपनी शक्ल मत दिखाना। हम दोनों अब एक छत के नीचे नहीं रह सकते। ये मेरा घर, समझ लो। अपना सामान समेटो और निकलो यहां से। तुम्हारे पापा को तुम्हारी करतूतों के बारे में बताता हूँ। उदय, उदय हमें माफ कर दो। उदय देखो, हम मानते हैं हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। वादा करते हैं हम दोबारा कभी ऐसा नहीं करेंगे, कभी शिकायत का तुम्हें मौका नहीं देंगे। उदय बहुत बड़ी गलती करी है तुमने, इसकी माफी नहीं दे सकता मैं। उदय हमें एक बार सुधरने का मौका दो। मैं मानती हूँ कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है, अगर तुमने हमें माफ नहीं किया ना, हम अपनी जान ले लेंगे। नहीं रहेंगे हम यहाँ पर, नहीं रहना हमें यहाँ पर। क्या कर रहे हो, क्या बेवकूफी है? देखो एक आखिरी मौका दे रहा हूं मैं तुम्हें, सुधर जाओ वरना। मैं इतना कैसे गिर सकता हूँ जिसने उंगली पकड़ के चलना सिखाया, जिंदगी के हर मोड़ पे सहारा दिया, पढ़ाया लिखाया इस काबिल बनाया, और आज उसी भाई पे हाथ उठा दिया। नहीं जी सकता मैं इस बोझ के साथ, नहीं जी सकता। मुझे अपनी गलती का प्रायश्चित करना ही होगा। हेलो, कहाँ हो तुम? पूरी रात से तुम्हें कॉल कर रही हूँ। अच्छा ये सब छोड़ो, मुझे तुमसे मिलना है। मुझे भी तुमसे मिलना है। उदय अभी ऑफिस जाने वाला है, उसके जाते ही तुम आ जाना, मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है। अरे मीना जल्दी करो यार, टिफिन ले आओ। अच्छा मैं बाद में कॉल करती हूँ। हाँ आ रही हूँ। इतना सब होने के बाद तुम ये सब? नहीं, मैं हार नहीं कर सकता। क्यों? जब हमारे शरीर के साथ खेल रहे थे तब भी ये ख्याल नहीं आया? अच्छा छोड़ो ना इसे, मूड मत खराब करो। दूर हटो, मेरी मति मारी गई थी जो तुमसे मैंने गलत रिश्ता बनाया। अच्छा खैर, तुम मर्दों का इरादा पस्त करना अच्छे से आता है मुझे। चलो देखते हैं
तुम्हारे इरादे ज्यादा मजबूत हैं या फिर मेरे हुस्न का जादू? ऑफिस नहीं गए? राजू मुझे प्लीज अकेला छोड़ दो। गम बांटने से आधा हो जाता। तुम मुझ पे भरोसा कर सकते? इस मीना ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। मीना की करतूतें तो सारे मोहल्ले को मालूम ही है। बड़ी अजीब किस्म की औरत है ये। मैं इसकी जरूरतें पूरी नहीं कर सकता। सच कहूं तो कोई भी नहीं कर सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि इसकी कभी जरूरतें पूरी होती ही नहीं है। समझ नहीं आता मेरा। दिल छोटा मत करो। मैंने पढ़ा है इसके बारे में। ये एक तरह की मानसिक बीमारी है। तूने भाभी को किसी मनोचिकित्सक को दिखाया? इसमें मनोचिकित्सक क्या करेगा? बिल्कुल करेगा। तू घर जा और भाभी से बात कर, इससे पहले कि बात और बिगड़ जाए। किसी साइकेट्रिस्ट को दिखा। साइकेट्रिस्ट? Are you sure? जितना मैंने पढ़ा है, I'm sure. सुमित, क्या हुआ? सब ठीक है ना? बस मीना, मैं भैया को और धोखा नहीं दे सकता। कि क्या भैया 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 लगा रखा तुमने? हाँ सारा सारा मुंह खराब कर देते हो तुम। मैं भटक गया था, मैं भैया का दिल और नहीं तोड़ सकता। देखो सुमित, तुम भैया का दिल बिल्कुल नहीं तोड़ रहे, बल्कि उनकी मदद कर रहे। क्या मतलब तुम्हारा? मतलब ये कि तुम मुझे खुश करके अपने भैया की मदद ही तो कर रहे हो ना। खबरदार, चौधे भैया के बारे में बकवास मत। सारी मुसीबत की जड़ तुम ही हो। तुम्हारी वजह से मैंने उन पर हाथ उठाया। अच्छा, कितनी आसानी से तुमने अपनी बदचलनी का ठेकरा मेरे सर पर डाल दिया। भूलो मत, हम जो भी कर रहे हैं ना, एक दूसरे की मर्जी से कर रहे हैं। तुम भी शामिल हो उसमें। तुम पे मेरा पूरा हक है। तुम्हें वो सब करना पड़ेगा जो मैं तुम्हें कहती हूँ। हाँ, तुम बीमार, तुम ज़हनी तौर से बीमार हो। तुम्हें डॉक्टर की जरूरत है। समित, देखो ठीक है, तुम जहां बोलोगे ना वहां मैं चलूंगी तुम्हारे साथ, लेकिन इस वक्त नहीं। हाँ, इस वक्त मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है। लाना, मैंने तुम्हें चुन के सबसे बड़ी गलती की, पर आज वो गलती सुधारना चाहता हूं। मैं तुमसे सारे रिश्ते तोड़ के जा रहा हूं और तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के जा रहा हूं।
हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। तुम्हारे फेवरेट गर्मा गर्म समोसे। आ जाओ। मीना क्या हो गया? ऐसे क्या देख रही हो? तुम तो मुझसे नाराज थे ना? अब मुझे एक बात बताओ, एक पति अपनी पत्नी से कितने दिन तक नाराज रह सकता है? इसलिए मैंने भी अपना गुस्सा थूक दिया है। मीना, मैंने तुमसे कुछ बात करनी है। उदय, मुझे भी तुम्हें कुछ बताना है। कहना सुनना बाद में, पहले हम कुछ और करेंगे, फिर बाद में बातें, ठीक है? कहती थी ना, मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और हमेशा यूं ही करता रहूंगा। उदय, मुझे तुमसे बातें बाद में। क्या बना दिया है? कैसी बन गई हो तुम?
ये क्या किया तुमने? तुमने ऐसा गुनाह किया जिसकी कोई माफी नहीं है। नहीं उदय, कोई माफी नहीं है। प्लीज मुझे बचा लो, मुझसे गलती हो गई।